नमस्कार दोस्तों, हमारे आयुर्वेद चिकित्सा चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो आज हम जीरा के औषधीय गुणों के बारे में जानते हैं। सर्वप्रथम इसके विभिन्न भाषाओं में नाम जान लेते हैं। संस्कृत में जीरा का श्या जीरा का, हिंदी में जीरा सादा जीरा श्याह जीरा, बांग्ला में जीरे सादा जीरे, मराठी में जीरे पांडरे, गुजराती में शकुन जीरो जीरो और अंग्रेजी में क्यूमिन सीड कहते हैं। सफ़ेद जीरा चार मसा, छोटी इलायची चार, धनिया चार मसा, काली मिर्च सात, इन सबको घोट कर पीने से गर्मी आत सक और चिना रोग शांत होता है। सेंधा नमक और जीरे को पीस कर मंजन बना कर करने से दांतों की बाधी दूर होती है। जीरा अनेक चूर्णों में पड़ता है। श्या जीरा और सफेद जीरा दोनों के गुण समान होते हैं। तुरई की तरकारी आदि की तरकारियों में जीरे की छाव कर दी जाती है। बादी से पेट फूलना, वायुगोला, अतिसार, बामन, इन रोगों को जीरा हरता है। जीरे की मात्रा दो मासे की है। जीरा को पीस पुलटे से बनाकर बांधने से बाहर निकले हुए मस्से और बहुत दाह करने वाली बवासीर जाती रहती है। जीरे को चरक संगीता में 16 नासा के माना गया है और सुषित संगीता में बात कफनासा के माना गया है। जीरा अरुचि नासा के सूजन 16 आराम बात को दूर करने वाला होता है। जीरा से मूत्र बहुत उतरता है। से दुर्गंध आने पर जीरा और सेंधा नमक का चूर्ण बनाकर दिन में 2 बार सेवन करने से मुख से आने वाली दुर्गंध ठीक होती है। जूलिक को दूर करने के लिए जीरे के बीजों का चूर्ण बना लें और उसे नींबू के रस के साथ मिलाकर सिर पर लेप करने से जूलिक आदि दूर होते हैं। हिचकी की परेशानी को दूर करने के लिए 5 ग्राम जीरे को घी में मिला लें और उसे चिल्ला में रख कर धूमपान करने से हिचकी बंद होती है। भूख बढ़ाने के लिए 3 ग्राम जीरे को 3 मिलीलीटर नींबू के रस में भिंगो लें और इसमें 3 ग्राम सेंधा नमक मिलाकर सेवन करने से भूख बढ़ती परेशानी को दूर करने के लिए 40 ग्राम जीरे और 20 ग्राम सिंदूर लें। उसे 320 मिलीलीटर गाढ़े तेल में पकाकर लगाने से खुजली में लाभ मिलता है।